हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू ए क्लास 12 का शॉर्ट स्टोरी चैप्टर 1 द गोल्ड वॉच आप लोगों का चल रहा है। ये पार्ट 5 है और जो स्टूडेंट पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं चैनल पर जा कर के उसे अवश्य पढ़ लें और पाठ को अच्छे से समझ लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आते हैं यूपी बोर्ड में। और पिछले टर्न पर आप लोगों ने यह देखा होगा कि शंकु बहुत ही गरीब वर्कर था जो फैक्ट्री में लो पेड पर काम करता था और बहुत से उसके ऊपर कर्ज थे। जिस फैक्ट्री में काम करता था उसका मालिक था, जिसका एक सोने की घड़ी हुआ करती है जो टेबल पर रखा हुआ था, वहाँ पर आकलन करता है कि काश मैं उस घड़ी को ले लूँ और अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उसको हम हल कर सकूं। और फिर उस घड़ी को लेने की बहुत सी चाहत किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है, डर जाता है, भयभीत हो जाता है, कोई देख न ले, कोई देख न ले। और आखिरकार में मेंटली एडिट किया कि बहुत से कर्ज और लोग इतने ताने दे रहे हैं और बस हद हो गई, मुझे कल अवश्य ही ले लेना है। और सो जाता है। सुबह देर हो जाती है, उसकी पत्नी याद दिलाती है, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? बोलता है, अरे हाँ, जल्दी से तैयार होने लगता है कार्यालय के लिए काम पर जाने वास्ते। और फिर जैसे ही जाता है उसकी पत्नी याद दिलाती है, देखो भूलना मत, वो आइंटमेंट बच्चे के लिए, वो मलहम आइंटमेंट लाना है तुम्हें। तो शंकु उस बात को पुनः दोहराता है, जी हाँ, मैं जब वापस आऊँगा तो लेते आऊँगा। और शंकु हामी भरता हुआ चल देता है वर्क की तरफ। देखे स्टूडेंट, यहाँ से प्लीज सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस शंकु लुक्ड बैक। शंकु की पत्नी पुनः अपने कोमल शब्दों में पुकारती है शंकु को। जब शंकु चल देता है ऑफिस के लिए, उसी वक्त उसकी जो वाइफ थी पुनः बोलती है, शंकु लुक्ड बैक। शंकु वापस दिखने लगता है, मुड़ जाता है, मुड़ करके देखता है वहीं से। सी स्पोक जेंटली और उसकी पत्नी आहिस्ता बोलती है, प्लीज ब्रिंग टू राइप बनानाज When you come back in the evening, देखो कृपया दो पके हुए केले लाना जब शाम के वक्त घर वापस आना। The baby starts crying at night and I have no milk to give him. और जो बच्चा है वो चिल्लाने लगता है, रात को रोने लगता है, और मेरे पास दूध भी नहीं होते हैं उसे देने के लिए। ऐसा शंकु की पत्नी बोल पड़ती है प्रातःकाल, जब शंकु ऑफिस के लिए जाने लगता है। पहले मलहम के लिए बोली, अब की बार बनाना के लिए बोली। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड। देखें स्टूडेंट, शंकु की जो पत्नी थी वहीं पर खड़ी है और अपने ब्लाउज को स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विथ हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से ब्लाउज को ऊपर करती है। देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट। तभी शंकु की नज़र उसके उभरे हुए पेट की तरफ जाता है। वाज एट अनदर बर्डन ऑन द वे। शंकु वाज स्टंड शंकु हक्का बक्का रह जाता है और यह आकलन लगाता है कि क्या एक और बच्चा मेरे सिर पर तो नहीं मडरा रहा है, आने वाला है। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, अपने आप को कोसता है एंड विथ ए डीप साई, एक गहरी सांसें लेते हुए ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, अपने फैक्ट्री की तरफ स्टूडेंट रवाना हो जाता है, जाने लगता है पुनः। तो शंकु का जीवन बहुत ही कर्ज से भरा हुआ, तमाम लोग भला बुरा उसे कहते हुए बहुत से कर्ज ले रखा था और 13 दिन में 13 रुपए मिलेंगे और क्या करेगा
इतने कम पैसों से किस प्रकार से वो चुकाएगा। बस यही चाह रहा है कि उसको उस घड़ी को कल अवश्य ही ले ले। इधर उसके बच्चे बीमार, घाव के निशान, घाव पूरे बॉडी पर, उसकी पत्नी याद दिलाती है, देखो जो है मलहम लेते आना और केले भी लेते आना। साथ ही शंकु ने यह आकलन किया कि एक और बच्चा उसके सिर पर आने वाला है। यह बात जो है शंकु को कोस देता है। वह जो है अपने आप को कोसता है और पुनः फैक्ट्री की तरफ रवाना हो जाता है आहें भरते हुए। लिसन डू नॉट फॉरगेट द वाइफ रिमाइंडेड हिम। तभी उसकी पत्नी एक बार पुनः उसे याद दिलाती है, सुनो सुनो देखो भूलना मत, जरूर केले लेते आना और मलहम भी। शंकु नॉडेड हिज हेड एंड वॉक्ड ऑन। शंकु अपने सिर को हिलाता है और चल पड़ता है। देखे अब ऑफिस की तरफ गया। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। एक बजे, ठीक एक बजे इंटरवल के लिए, मध्य अवकाश के लिए घंटी वहाँ बजी, जो फैक्ट्री की घंटी थी। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स आर टी शॉप्स फॉर लंच। हर कोई जैसे ही लंच की घंटी, इंटरवल की घंटी बजी, हर कोई इधर उधर जल्दीबाजी में भागने लगा, कोई घर की तरफ, कोई होटल की तरफ, कोई चाय की दुकान की तरफ, कोई लंच की तरफ, सब लोग जाने लगे वहाँ पर। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर। शंकु ही मात्र एक ऐसा व्यक्ति उस फैक्ट्री में उस वक्त था जो कहीं नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस। तो ऑफिस के वेस्ट साइड में, ऑफिस के ठीक पश्चिमी के कॉर्नर पर पिलर की तरह, खंभे की तरह वह जो है खड़ा था। हीज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड बर्स्टिंग विथ इम्पेशियंस। बड़े ही तेज गति से उसके जो हृदय थे भयभीत थे और धड़कते हुए। ए फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ क्षण वहाँ पर बीता। द इंजीनियर ए साल्ट फैट इंग्लिश मैन विथ अ कैट लाइक आईज हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टेटस गॉट आउट ऑफ द रूम, क्लोज्ड द डोर एंड लेफ्ट। देखे स्टूडेंट, जिस काम के लिए जो इरादा था शंकु का कि मैं उस घड़ी को आज ज़रूर ले लूँगा, वहाँ पर वहीं कुछ चलता हुआ। ए फ्यू मोमेंट पास्ट, थोड़ा सा समय बीता। द इंजीनियर, और जो अभियंता था, इंजीनियर जो था, ए साल्ट फैट इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज व्यक्ति, नाटा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति था, जिसकी जो आंखें थी कैट लाइक, माने बिल्ली जैसी आंखें, हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टेटस, वह जो इंजीनियर था वह ऐसा दिखता था जैसे कि कोई शीशे की मूर्ति हो। गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकला ऑफिस से, और क्लोज्ड द डोर, दरवाजे को बंद किया, एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला गया, रवाना हो गया। एज यूजुअल देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, और रोज़ की तरह आज भी उसके रिस्ट मींस कलाई में घड़ी नहीं था। शंकु हर्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ, एक शांति की भावना के साथ शंकु को थोड़ा सा महसूस हुआ, एक कूल महसूस हुआ उसके हृदय में, संतावना रूपी एक ठंडक महसूस हुई शंकु को। चलो ठीक है, घड़ी तो वहीं पर है आज भी टेबल पर अंदर। ए फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, थोड़ा सा और समय बीता। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, इधर उधर देखा। देयर वॉज नोबडी इन साइट, कोई नहीं था। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द ऑफिस, वह ऑफिस की तरफ जाने लगा, उसी ऑफिस की तरफ। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शियली क्लोज्ड, और उस ऑफिस का जो शीशे की खिड़की थी प्रायः रोज की तरह आधी खुली हुई थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, और वह सोने की घड़ी उस मेज पर पड़ी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, कितना चमक रही थी, चमकती थी। हिज हार्ट बीट फास्टर, शंकु का जो हृदय था तेज गति से धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर ओनली बाई 4 o'clock, और वह जो अंग्रेज
अंग्रेज इंजीनियर था, अंग्रेज व्यक्ति था, वह लंच के लिए गया था, लंच के बाद ही लौटेगा। और उसका जो शिष्टा था, शिष्टा मीन्स दिनचर्या, रोज़ की तरह वह 4 बजे ही वापस आएगा। गुड अपॉर्चुनिटी है, गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पर है। देयर वॉज नोबडी अराउंड, और आसपास कोई भी नहीं है, बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर शंकु के लिए कि वह घड़ी को चुरा ले, उठा ले और अपने जीवन की जो प्रॉब्लम है, ज्वलंत समस्याएं हैं, उसको हल कर ले। देखें कैसे अब उस घड़ी को चुराएगा शंकु, देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7 minutes पास्ट। देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिनट वहाँ पर बिता, वहीं पर उस ऑफिस के पास, जिसकी दरवाज़ा बंद है और खिड़की जो है शीशे की खिड़की आधी खुली है, और टेबल पर वह चमचमाती हुई सोने की घड़ी। सडनली शंकु थॉट, सपोज समवन सी मी, अचानक शंकु ने सोचा, मान लो कोई मुझे देख ले, इस वक्त देख ले। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कई दिनों से हो रहा था, फियर पास्ट हिम फॉरवर्ड, भय जो है पुनः उसमें समा गई, छा गई। ही टूक अ फ्यू स्टेप्स, लुक्ड अराउंड, एक दो कदम बढ़ा, इधर उधर देखा, बट सा नो वन, लेकिन कोई भी आदमी उसे दिखाई नहीं दिए। प्रॉम्प्टेड अगेन बाई अर्जेंट नीड ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम, और उसके अंदर से एक प्रेरणा आती है। प्रॉम्प्टेड माने उत्तेजना, प्रेरणा अगेन माने पुनः से, अर्जेंट नीड बहुत सख्त जरूरत है मुझे। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द रूम, उसी रूम की तरफ, कार्यालय ऑफिस की तरफ बढ़ा। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, फिर एक बार चारों तरफ दृष्टि डाली, नोबडी वॉज देयर, कोई नहीं था। ए सडन पास्ट थ्रो हिज वेंस, एक उसके वेंस माने नसों में एक छाया गुजरा, एक छाया सा समाया उसके वेंस में, नसों में। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, और उसका हृदय मानो कि रुक गया हो। वन सेकेंड पास्ट, एक सेकेंड बीता, ही स्ट्रेच्ड आउट हैंड एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, एक सेकेंड बीता और अपने हाथ को स्ट्रेच्ड मैंने फैलाया, आउट ए हैंड, एक हाथ को बढ़ाया आगे की तरफ, एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और हाथ में उस घड़ी को, उस सोने की घड़ी को ले ही लिया। नर्वसली हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, और तेजी से उस घड़ी को उठा लेने के बाद हाथ में जल्दी से एक सर्वे माने जांचा परखा, जल्दी से देखा इधर उधर, नो वन वाज देयर एट ऑल, और फिर भी कोई भी व्यक्ति नहीं था इधर उधर। ट्रेम्बलिंग ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, कांपते हुए वह जो शंकु था उस घड़ी को अपने पैजामे में के पॉकेट में, जेब में रखता है। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, अपनी सांसों को थामे हुए, एंड वॉक्ड फॉरवर्ड इन हेस्ट, हेस्ट माने जल्दी बाजी में आगे जाने लगा। आफ्टर अबाउट 10 steps, 10 कदम जाने के बाद, ही लुक्ड बैक, पुनः वापस देखा। देन ही सा समोन वॉकिंग क्यूकली अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, कुछ 10 कदम आगे बढ़ने के बाद वह वापस देखा कि उधर पूरब की दिशा से, ईस्टर्न कॉरिडोर, पूर्वी छोर से कोई तेजी से उसकी तरफ आ रहा हो। ऐसा देखा शंकु स्टूडेंट। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर ऑफिस, और निश्चित ही, स्पष्ट ही, जो भी व्यक्ति आ रहा हो वह उस टाइम कीपर ऑफिस माने वह उस ऑफिस की तरफ जा रहा था जहाँ पर कि घड़ी इत्यादि समय देखा जाता है। टाइम कीपर ऑफिस की तरफ वह जा रहा था टाइम देखने। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, अरे वह निश्चित तौर पर वह सब कुछ देख चुका है। परहैप्स ही वॉज हेस्टनिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, संभवतः वह जो है हेस्टनिंग में से जल्दीबाजी में इन्फॉर्मने सूचित करने जा रहा हो उस वॉचमैन एट द गेट, जो पहरादारी करता है गेट पर, उसको जा रहा है बताने, संभवतः वह जो व्यक्ति आ रहा हो। ओ गॉड, हैड ही बंगल्ड, हे भगवान, अब तो पकड़ लिया जाएगा, क्या पकड़ लिया जाएगा।
शंकु स्टूड लाइक पिलर पेट्रीफाइड, मैंने भयभीत होकर के, पिलर मीन्स खंभे की तरह शंकु फिर खड़ा हो गया। तो स्टूडेंट यह वह कंडीशन है जिस समय शंकु उस घड़ी को उठाता है और आफ्टर पिकिंग द वॉच व्हाट वॉच हिज कंडीशन, घड़ी को लेने के बाद उसकी क्या दशा है ये देखें। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक बर्निंग सिंडर, जब उस घड़ी को अपने जेब में रख लिया था उस वक्त की स्थिति यह है कि वह सोने की जो घड़ी है ऐसा सिम्ड मैंने प्रतीत होता था जलता हुआ, हिज पॉकेट लाइक बर्निंग सिंडर, ऐसा जलता हुआ उसे महसूस हुआ जैसे मानो कि कोई दहकते हुए अंगारे हों उसके जेब में। इट सेंट स्पार्क ऑल हिज नर्वस, ऐसा लगा जैसे उसके पूरे नर्व्स माने तंत्रिकाओं में सिराओं में चिंगारियां भेज जा रही हो। द होल वर्ल्ड सीम्ड टू बी स्पाइनिंग अराउंड हिम इन ब्लेजिंग फायर, और पूरा जो संसार था ऐसा लग रहा हो जैसे घूम रहा हो, चक्कर काट रहा हो, स्पाइनिंग अराउंड हिम इन ए ब्लेजिंग फायर, जैसे कोई ब्लेजिंग फायर माने धधकते हुए आग की तरह, ऐसा लगा मानो चारों तरफ से चक्कर काट रहा हो पूरा संसार उस वक्त आफ्टर टेकिंग द वॉच। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सेंट, माने हर एक रेत में, हर एक कणकण में फ्लेम्स माने ज्वाला उठ रहा हो एरोज। नो साइट ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी शांति नहीं थी, शांति रूपी छाया नहीं थी। एवरी थिंग वॉज ऑन फायर बर्निंग एंड बर्निंग, हर चीज जल रहा हो चारों तरफ, ऐसा लगा कि आग जल रहा हो। स्टूडेंट उस घड़ी को लेने के बाद ये स्थिति है शंकु का, कैसे वह अपनी ज्वलंत समस्याओं को अंत करेगा, स्थिति इस समय यह है। ब्रदर शंकु व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक अ पिलर, देखे एक व्यक्ति था जो यहाँ पर पूछता है उसे, अरे भाई शंकु बताओ क्यों यहाँ पर खंभे की तरह खड़े हो। शंकु टर्न विथ अ स्टार्ट एंड सा माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, शंकु टर्न विथ स्टार्ट माने अचानक ही भौचक्के होकर के शंकु मुड़ता है और देखता है कि माधवन नाम का कोई व्यक्ति उसके पास में खड़ा है। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु देखिए स्टैमर्ड आउट माने हकला गया, हकला करके बोलता है, नो 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 रीजन फॉर नथिंग, अरे नहीं नहीं कोई कारण नहीं, बस मैं तो यूं ही इसी तरह खड़ा हूँ। तो स्टूडेंट शंकु की मनोदशा है उस वक्त जब घड़ी को चुरा लेता है तब। देखें गार्ड ऑन माई लेयर माधवन सैड विथ अ लाफ एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, देखें गार्ड ऑन माई लेयर माधवन सैड विथ अ लाफ एंड वॉक्ड अवे, देखें माधवन जो है एक हंसते हुए बोलता है, अरे जाओ झूठे कहीं के, एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, और अपने कार्य की तरफ चल पड़ता है वह जो माधवन था। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, माई गॉड एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, देखे शंकु यहाँ पर क्या सोचता है। ही मस्ट हैव गॉन, वह अवश्य ही जा चुका होगा, एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, और सबसे बता दिया होगा चोरी के बारे में। माई गॉड एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, ओ भगवान मेरे हर लोग संभवतः जान जाएंगे। ऑल द 800 ओड वर्कर्स एट द फैक्ट्री वुड सराउंड हिम नॉइजली, सब लोग जान जाएंगे और उस फैक्ट्री के जो 800 वर्कर हैं सब लोग उसको चारों तरफ से शोर मचाते हुए घेरेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और हर लोग उसे एक घृणा से देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विथ डिरीजन थीप, सभी लोग एक तिरस्कार से, डिरीजन मैंने उपहास पूर्वक उसे चोर 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 बोलेंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर व्हाइट बॉस, तब वह उस व्हाइट बॉस मैंने उस अधिकारी के सामने, बॉस के सामने पेश किया जाएगा, एंड रिप्रीमेंडेड, और फिर उससे पूछताछ होगी। रिप्रीमेंडेड यानी कि उसको डांट पड़ेगी, फटकार लगाया जाएगा उस बॉस के द्वारा।
हाउ स्टर्ली ही वुड लुक एट हिम, कितनी मजबूती से दृढ़ता से वह जो अधिकारी है इंजीनियर है मुझे देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और शंकु नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा। दैट फेलो वैकी वाज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, जैसा कि कुछ दिन पहले एक दोस्त उसका हुआ करता था जिसका नाम वैकी था, उसे भी छाते के चोरी में नौकरी से निकाल दिया गया था। तो यही हाल शंकु का भी होगा, और 800 वर्कर उसे घेर लेंगे, पकड़ लिया जाएगा, और वह जो व्यक्ति था माधवन सबसे बता दिया होगा, ऐसा आकलन शंकु करता हुआ स्टूडेंट। ए कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हार्ट विथ विच चोक्ड विथ डिप्रेसिंग थाट्स, देखें एक जो है ठंडी जो भय थी वह समा जाती है शंकु के मन में हृदय में, और ऐसा लगा जैसे उसकी गला को चोक्ड कर दिया हो, रोक दिया हो, घोंट दिया हो विथ डिप्रेसिंग थाट्स, और वह बड़े ही निराश विचार से शंकु उस वक्त। द गॉड वुड बी वेटिंग एट एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, वह जो रक्षक होगा, गार्ड होगा, कोतवाल जो होगा वहाँ पर, उसका इंतजार कर रहा होगा एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, उस टाइम कीपर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर। ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो दैट विल ले डेंजर, और नहीं नहीं मैं नहीं चाहता कि मैं खतरे में पड़ूं। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, वह उस घड़ी को उसी स्थान पर पुट कर देगा, रख देगा। ए स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वॉज बर्निंग हिम, और एक धधकता हुआ जो अंगारा था, सिंडर था, वॉज बर्निंग हिम, उसे जला रहा था। बट देन ओ नो, लेकिन अरे नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थाट्स, और दूसरी बार पुनः वह सोचता, अरे नहीं 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 रखना चाहिए उस घड़ी को। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत तो गतवा वह यह दिल निश्चय कर लिया। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, और वह उसी ऑफिस के कमरे के पास में ही था, वहीं खड़ा था। द विंडो स्टील रिमेंड हाफ ओपन, और आधी खुली हुई खिड़की अब भी थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु चारों तरफ पुनः देखता है। नो वन वॉज देयर, कोई नहीं था। नो वन एट ऑल, कहीं भी कोई नहीं था। ही टूक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, और जल्दी से उस घड़ी को अपने जेब से निकालता है। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, और उसके हाथ तो ऐसे कांप रहे थे मानो जैसे कोई वृक्ष का पत्ता हो, ताड़ का पत्ता हो। और ही प्रेजेंटली रिमेम्बर्ड हिज होम, अचानक उसे कुछ याद आती है घर का, एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, और अपने उन कर्जों की याद आती है जो नहीं दिया है, नहीं चुकाया था। व्हाट वॉज टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए इस वक्त। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, काफ़ी घबराया हुआ महसूस करता है। द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स बिहाइंड हिम, और उसके पीछे से कुछ पैदल चलने की आवाज़ें आ रही थी। समवन वॉज रिटर्निंग, कोई आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रेथलेसली वॉक्ड अवे, और वह उस घड़ी को उस टेबल पर वापस रख दिया, और बड़े ही जल्दी तेजी से वहाँ से चलता बना स्टूडेंट। तो ये शंकु का हाल है, बहुत ही कर्ज, उसके जीवन में ज्वलंत समस्याएं, ऊपर से और भी तमाम चीज़ों की उसको ज़रूरत थी। इन ज़रूरतों के लिए डिसाइड किया कि वह मालिक के घड़ी को चुरा ले, लेकिन अंत तो गतवा उसका हाल क्या हुआ आपने देखा स्टूडेंट। बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, इसे अच्छे से रिविजन कर लें। थैंक यू।